महिंद्रा एक्सयूवी 300 एक ऐसी गाड़ी 2019 से जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट के अंदर एक अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। मतलब इस गाड़ी ने इतनी अच्छी सेल्स कंपनी को प्रोवाइड करी है, इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को प्रोवाइड करवाया है। मतलब अभी भी मैं ये आपसे दावा कर सकता हूँ कि अभी भी अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे हर तीसरी गाड़ी आपको एक्सयूवी 300 देखने के लिए मिल जाएगी। सारा क्रेडिट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को जाता है जो कि एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग लेके आई है, 4 स्टार की चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। और मतलब जिस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी की सारी गाड़ी आती है, मतलब इस गाड़ी ने अच्छा खासा लोगों का मतलब अपनी तरफ से अट्रैक्शन बना रखा है। अभी भी इस गाड़ी का दबदबा मार्केट के अंदर इतना बना हुआ है कि अभी भी इस गाड़ी को अगर आप बुक करवाने जाएंगे आपको थोड़ी मोड़ी जो वेटिंग पीरियड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन 2019 के बाद से और 2022 तक इस गाड़ी का कंपनी ने कोई भी फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च नहीं करा है, जिसकी वजह से जो नई कंपनियां मार्केट के अंदर आ रही हैं धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं इतनी बढ़िया गाड़ी को। तो कंपनी को भी थोड़ा सा लगा कि यार इतनी अच्छी गाड़ी है हमारी और इतनी बढ़िया मतलब अच्छी खासी सेल है, तो इसका इस टाइम पे फेसलिफ्ट वर्जन निकालना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है जबकि इतनी मतलब नई नई कंपनियां मार्केट के अंदर आ रही हैं, टेक ओवर करना स्टार्ट कर रही हैं। तो गाड़ी पूरी तरह से रेडी है मार्केट के अंदर आने के लिए। और कैमोफ्लेज के अंदर गाड़ी काफी ऐसे शहर है, काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे स्पॉट करी गई है और गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ चीजें आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, क्या कुछ नए फीचर कंपनी गाड़ी के अंदर ऐड कर सकती है। जो एक कमी थी गाड़ी के अंदर बूट स्पेस की, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर था गाड़ी की मतलब जो सेल्स है उसको थोड़ा सा 19-20 जो फर्क पड़ा, जो मेन माइनस पॉइंट था गाड़ी के अंदर बूट स्पेस का, क्या कंपनी उसको चेंज करेगी या नहीं करेगी, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी तो वो भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कभी भी हम इस गाड़ी जो ड्राइविंग रिव्यू है वो लेके आए तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि गाड़ी कब लॉन्च होगी और कितने प्राइसिंग सेगमेंट पे लॉन्च होगी। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो 35,000 से 50,000 रुपए का आप प्रीमियम मान सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर, मतलब इतनी अमाउंट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइसिंग पे अभी महिंद्रा एक्सयूवी 300 अभी आती है उसे 35,000 से 50,000 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ सकता है जब ये फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। अगर बात करें गाड़ी की लॉन्च डेट के बारे में तो 2022 में आपको इसकी लॉन्च देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कितने इंजन ऑप्शन के अंदर आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी माने, जितने भी स्पेकुलेशंस माने, जो हमारे खुद के सोर्सेज हैं मतलब महिंद्रा के अंदर अगर उनकी माने तो गाड़ी 2 इंजन ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पहला पेट्रोल और दूसरा डीजल। अगर पेट्रोल के बारे में बात करूं तो गाड़ी BS6 के 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल के अंदर आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि 130 bhp की और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। वहीं बात अगर करें गाड़ी के डीजल इंजन ऑप्शन के बारे में तो आपको सेम BS6 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 120 bhp की और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। दोनों ही गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल में और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल हो जाएगी। अगर बात करें गाड़ी की माइलेज के बारे में तो 18 से 20 की गाड़ी आपको माइलेज दे देगी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की फीचर्स के बारे में कि फीचर्स आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपनी ने अभी गाड़ी के अंदर से पावर हीटेड ORVM जो है वो डिलीट कर रखा है, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशन है, ऐसी रिपोर्ट है कि जो फेसलिफ्ट वर्जन 2022 के अंदर आने वाला है उसके अंदर आपको ये फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ये अगर आउटर लुक के बारे में बात करें तो बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे, लार्ज ब्लैक क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, साइड्स में जो रूफ रेल्स है उनका थोड़ा सा साइज आपको बड़ा देखने के लिए मिल सकता है और टोटली डिफरेंट मल्टी कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। जो अगर रेयर की बात करें तो रेयर के अंदर आपको महिंद्रा का न्यू लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और पूरी प्रॉपर मतलब चेंज्ड LED टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाएगी। वही बात करते हैं फ्रंट के बारे में तो फ्रंट में भी आपको महिंद्रा का न्यू लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी के अंदर DRL आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्रोम में काम देखने के लिए मिल जाएगा। जो ओवरऑल लुक होगा गाड़ी का फ्रंट से वो थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा एज कम्पेयर टू करंट XUV 300। गाड़ी का जो ओवरऑल साइज है वो आपको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि जितने भी अभी मतलब कैमोफ्लेज के अंदर तस्वीरें स्पॉट करी गई हैं, जितने भी हमारे सोर्सेस हैं और जितने भी मतलब जहां पे ये गाड़ी स्पॉट करी गई है अगर उनकी माने तो 19-20 जो साइज है गाड़ी का वो बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि गाड़ी फेसलिफ्ट वर्जन है, कोई नेक्स्ट जनरेशन मॉडल नहीं है, लेकिन गाड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बनके
आने वाली है मार्केट के अंदर। वही बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, तो बहुत लोगों को शिकायत थी कि गाड़ी का बूट स्पेस बिल्कुल भी काम का नहीं है, अगर ये बूट स्पेस बढ़ा दे तो गाड़ी की जो सेल है वो टॉप नॉच पे हो सकती है। तो उन लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई मुझे लगता है कि शायद महिंद्रा ने आप लोगों की सुन ली है, गाड़ी का जो बूट स्पेस है कंपनी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देगी, मतलब बूट स्पेस के अंदर आपको अब काफी ज्यादा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कंप्लेन करते थे गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। अगर गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करें तो महिंद्रा का भरोसा आपको पता ही है, महिंद्रा किस टाइप की गाड़ी निकालता है, मतलब महिंद्रा की गाड़ियों में सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। गाड़ी के अंदर आपको 5 स्टार की रेटिंग आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको मल्टी एयरबैग देखने के लिए मिल जाएंगे, ABS, ABD, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, मतलब इस टाइप के जितने भी मतलब सेफ्टी फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर सारे के सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करें गाड़ी के जेनरिक फीचर के बारे में, तो जितने भी इस टाइप के करंट XUV 300 के अंदर फीचर अवेलेबल है वो सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सारे कार कनेक्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, मल्टी स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, इस तरह के जितने भी मतलब करंट में अभी अवेलेबल है हमारे पास फीचर वो सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे गाड़ी के जो फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है उसके अंदर। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं XUV 300 लेने का तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी मेरे हिसाब से वर्थ रहेगी, क्योंकि एक स्पेस का मतलब बूट स्पेस की थोड़ी सी कमी थी जिस हिसाब से थोड़े लोग शायद गाड़ी को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब बूट स्पेस की कमी भी मेरे हिसाब से पूरी हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा पैसा आप गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना वेट तो बनता ही है गाड़ी का। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यही पेन करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि मतलब XUV 300 लेने का सोच रहे हैं। बाकी आपको पता ही क्या करना, घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।